नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीबीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। जमीन विवाद को लेकर नौगछिया में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प, एक व्यक्ति की हुई मौत, 5 लोग हुए घायल। एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर संगोष्ठी का हुआ आयोजन, भारत के नव निर्माण में गांधी के योगदान पर हुई चर्चा। भागलपुर के आईएमए हॉल में हृदय रोग से ग्रसित बच्चों के लिए जांच शिविर का हुआ आयोजन, कई गरीब बच्चों की हुई जांच। सोए अवस्था में अपराधियों ने युवक की गला रेत कर की हत्या, 29 नवंबर को होनी थी शादी, जांच में जुटी पुलिस। और एसकेएम स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का हुआ आयोजन, वैज्ञानिक सोच को मॉडल बनाकर छात्रों ने किया प्रदर्शित। और अब खबरें विस्तार से। नौगछिया में एक बार फिर जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गया। सभी घायलों का इलाज अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि रंगरा थाना क्षेत्र के भीमदास टोला पंचायत के सिमरिया गाँव में भूदान में मिले 2 एकड़ जमीन को लेकर सिमरिया गाँव के अवधेश मंडल और सचिदानंद मंडल के बीच वर्षों से जमीन का विवाद चल रहा था। रविवार को किसान अवधेश मंडल अपने परिवार के लोगों के साथ खेत जोत रहा था। उसी दौरान दूसरे पक्ष के सचिदानंद मंडल और उसके सहयोगियों ने अवधेश मंडल पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। बीच बचाव कर रहे परिजनों के साथ भी मारपीट की गई जिसमें अवधेश मंडल गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना को अंजाम देने के बाद दूसरे पक्ष के सभी लोग फरार हो गए। वहीं परिजनों ने नाव के सहारे अवधेश को नदी पार कर अस्पताल ले जा रहे थे, उसी दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची रंगरा पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मामला था सर कि सीओ और थानों को पैसा उसने देकर कौन सचिदानंद ने उसको मिला लिया और बोला कि कल मीटिंग था, वो मीटिंग में बोला कि जो पहले जोता था वही जोतेगा, बोल दिया। वो डायरेक्टर बोला कि हम बोले कि डायरेक्ट हमको जो है ना की कहता है नोटिस भेजिए तब हम जुटने देंगे, इसी में मारपीट कर दिया। कौन मारपीट किया? सचिदानंद, टिक्कू, राजेश, सुखादास। दिन है मोहल्ला से की होले पला टाइप पर मार दंगा होले से ककरा साथ है गतिया नाम है रोकेल के लिए हमें सब मार कर ले गए लड़के, वहाँ सब मार कर ले हमें सब के लड़की गोसा वहाँ सब आबी भीड़ मारा लग गए। कैसे मार लग गए? और सब बापता मिली मारने से के सब चारू नम सुख सस्ता और रजेश पिकू सुखादास। कारण यह कि हम खेत ले यहाँ बुने नहीं बुने दिल के लाठी चलाना शुरू कर दिल के। भागलपुर के TNB कॉलेज परिसर में रविवार को एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। NSS और IQAC के तहत आयोजित संगोष्ठी में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भारत के नव निर्माण में गांधी का योगदान विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत कुल गीत से की गई। इस दौरान पूर्व मंत्री महाचंद्र प्रसाद सिंह, BRA विश्वविद्यालय के कुलपति एवं अन्य अतिथियों ने कार्यक्रम का उद्घाटन दीप जलाकर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता सह पूर्व मंत्री महाचंद्र सिंह ने कहा कि गांधी जी राष्ट्रीय एकता के प्रतीक थे और समय के साथ वह ज्यादा प्रासंगिक होते गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके स्वच्छता को अपने कार्यक्रम में शामिल कर उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश की है। वहीं गांधी विचार विभाग के प्रोफेसर विजय कुमार ने कहा कि अगर गांधी के आदर्शों को अपने जीवन में उतार ना सके तो गांधी पर विचार विमर्श करना व्यर्थ है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने की। इस मौके पर कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार, प्रफुल्ल चंद्र चौधरी, डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर सुमन कुमार, मनीष कुमार, डॉली अन्नपूर्णा समेत कई लोग मौजूद थे। कार्यक्रम है एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसी के तहत इस महाविद्यालय के NSS की यूनिट ने एक कार्यक्रम आयोजित कर रखा है। महात्मा गांधी की भूमिका, महात्मा गांधी
की नज़र में देश का स्वरूप पहले और बाद का उसी के क्रम में आज चर्चा हो रही है। भागलपुर के IMA हॉल में रविवार को जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा निशुल्क शिशु हृदय रोग जांच शिविर लगाया गया। शिविर का आयोजन रविंद्रनाथ टैगोर कार्डियक साइंसेज कोलकाता की ओर से किया गया, जिसमें नारायणा अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा बच्चों की जाँच की गई। शिविर का उद्घाटन मायागंज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर रामचरित मंडल एवं अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि कई बच्चों में हृदय से संबंधित बीमारी जन्म से ही होती है और ऐसे बच्चों के इलाज के लिए सरकार द्वारा राशि आवंटित की जाती है। उन्होंने कहा कि शिविर में कई गरीब परिवार के बच्चों की जांच की गई है और उचित परामर्श हृदय रोग विशेषज्ञों के द्वारा दिया गया है। इस अवसर पर IMA एवं मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टर मौजूद थे। बांका के रजौन प्रखंड स्थित बबरचक गांव में सोए अवस्था में अपराधियों ने व्यक्ति की निरीसंस तरीके से हत्या कर दी। मृतक युवक की पहचान बबरचक निवासी 35 वर्षीय आशुतोष कुमार के रूप में हुई है। घटना को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी दीवार फांद कर फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही SDPO DC श्रीवास्तव के नेतृत्व में नवादा बाजार सहायक थाना, धनकुंड थाना, रजौन थाना मौके पर पहुंची और घटना के हर एक बिंदु पर जांच में जुट गई है। वहीं FSL और डॉग स्क्वाड की टीम ने पूरे घटनास्थल की जांच की। हत्या के बाद से ही पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। मृतक आशुतोष की शादी 29 नवंबर को होने वाली थी। SDPO ने कहा कि प्रेम प्रसंग सहित कई बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है और जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। बांका के शंभुगंज प्रखंड स्थित SKM स्कूल डारी पकड़िया में रविवार को विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में स्कूल के सभी वर्ग के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान छात्रों ने एक से बढ़कर एक मॉडल को प्रदर्शनी में उतार कर अपनी भविष्य की सोच को रखा। विज्ञान प्रदर्शनी में छात्रों के द्वारा 114 मॉडल को पेश किया गया था, जिसमें चंद्रयान रोबोट, कूलर, हीटर, वाटर बोट, डोरवेल अलार्म, पावर हाउस, स्मार्ट सिटी, सौर ऊर्जा, ड्रोन, सोलर एनर्जी कार सहित कई तरह की प्रदर्शनी लगाई गई थी, जो मौजूद लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहा। वहीं छात्रों ने अतिथियों को अपने मॉडल के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी, साथ ही वर्तमान और भविष्य में होने वाले लाभ को बताया। वहीं विज्ञान प्रदर्शनी में 3 सर्वश्रेष्ठ मॉडल को चुना गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य डॉक्टर अनुवेरी, मुख्य अतिथि परमजीत सिरमौर, वीडियो सुरेंद्र प्रसाद, थानाध्यक्ष उमेश प्रसाद, डॉक्टर विपिन कुमार सिंह, नीतू सिंह, डॉक्टर सुधीर प्रसाद सिंह एवं संस्थान के निदेशक मानवेंद्र कुमार गौतम ने दीप जलाकर किया। वहीं विज्ञान प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए प्राचार्य ने कहा कि ऐसे आयोजन से छात्रों के अंदर छिपी प्रतिभा उभर कर बाहर आती है। प्रदर्शनी का नेतृत्व नेहा सिंह ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत गीत से हुई। इस अवसर पर अतिथि, शिक्षक, अभिभावक एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे। SKM पब्लिक स्कूल में ये सेकेंड एनुअल साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंदर सभी क्लासेस 4 से 5 प्रोजेक्ट अपनी स्तर के अनुसार से बनाए हैं और उन्होंने डिस्प्ले किए हैं। टोटल 114 प्रोजेक्ट यहां पर डिस्प्लेड हैं, जिसमें से क्लास 1 से लेकर 3 तक मॉडल्स और उसके बाद सारे वर्किंग प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं। बच्चों ने अपनी क्षमता और कार्य अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं। एक चंद्रयान 2 का मॉडल कक्षा 8 के विद्यार्थियों ने बनाया है, जो पिछले उनको बनाने में 15 दिन लगे हैं। आप छात्रों की मेहनत का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि इस चंद्रयान 2 को खड़ा करने में ही 9 घंटे का समय लगा है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क TV। हर साल की तरह इस साल भी सर्दियों के आते ही तिवतन पोटाला मार्केट भागलपुर के तिलका मांझी कठलबाड़ी नियर आदित्य विजन भागलपुर में खुल चुका है। यहाँ हर तरह के गर्म कपड़े, जैकेट, स्वेटर, साल, कंबल, टोपी, मफलर उचित कीमत पर उपलब्ध है। महिला, पुरुष एवं बच्चे के लिए बेहतरीन क्वालिटी एवं एक से एक डिजाइन में गर्म कपड़ों की रेंज उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही चले आइए तिवतन पोटाला मार्केट तिलका मांझी कठलबाड़ी नियर आदित्य विजन भागलपुर। Oh,
अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो तो क्यों ना एक घर अपना हो, अगर पीवीवाई आस्था ड्रिंक्स आपका अपना हो तो क्यों बाजारे महफिल में भटकना हो। पीवीवाई आस्था ड्रिंक्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है 1,00,000 रुपये प्रति कट्ठा में आकर्षक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट में पहले पोजिशन पाए फिर रजिस्ट्री कराए। 30 फीट चौड़ी सड़क, नाली, 24 घंटे बिजली, पार्किंग, जिम, हॉस्पिटल एवं अन्य कई सुविधाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी। पीवीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मासिक किस्त मात्र 10,000 पर उपलब्ध, तो अभी बुकिंग कराएं मात्र 51,000 रुपये में। आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपये प्रति कट्ठा, तो जल्दी फोन उठाएं और संपर्क करें 7070907569 8210975763 7542932154 6200122297 बलुआ टोला करेला नाथनगर भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर रंग महोत्सव की तैयारी को लेकर रविवार को आदमपुर चौक स्थित SMS स्कूल में बैठक आयोजित की गई। बैठक में महोत्सव की तैयारी को लेकर अंतिम रूप दिया गया। रंग ग्राम जन सांस्कृतिक मंच की ओर से आयोजित 8वां अखिल भारतीय बहुभाषीय कार्यक्रम 28 नवंबर से शुरू होगा जो 1 दिसंबर तक चलेगा। महोत्सव में अवसंस्कृति के खिलाफ लघु नाटक, नुक्कड़ नाटक, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य एवं रंग जुलूस प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी जिसमें मणिपुर, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, असम, बिहार एवं झारखंड के कलाकार अपनी शानदार प्रस्तुति देंगे। इस मौके पर आयोजन समिति के सदस्य मौजूद थे। ये भागलपुर रंग महोत्सव लगातार कई वर्षों से इसका प्रदर्शन, इसका आयोजन हो रहा है और इसका मुख्य लक्ष्य है कि पूरे देश की जो संस्कृति है और उस संस्कृति में जो एकता है उसका प्रदर्शन किया। वो क्या रहा है कि पूरे देश में क्षेत्रवाद का, भाषावाद का, आपसी शोषण का, राज्यों के राज्य के बीच के झगड़े का, राजनीति और भी उसको बढ़ा देती है, तो साहित्य और संस्कृति एक रास्ता दिखाती है और जो रंग महोत्सव है वो रास्ता दिखाने का एक काम करता है। राजद का नौगछिया संगठन अब भागलपुर से अलग हो गया है। अब नौगछिया में भी जिला अध्यक्ष का चुनाव होगा। राजद बुनकर प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जाहिद अंसारी ने नौगछिया स्थित राजद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कही। उन्होंने कहा कि नौगछिया अनुमंडल के 7 प्रखंड में आरक्षण रोस्टर के आधार पर प्रखंड अध्यक्षों का चुनाव कराया जाएगा। जाहिद अंसारी ने कहा कि राजद ही ऐसी पार्टी है जिसने पहली बार संगठनात्मक चुनाव के लिए आरक्षण रोस्टर नियम को लागू किया था। कार्यक्रम का संचालन जिला प्रवक्ता विश्वास झा ने किया। इस मौके पर राजकिशोर यादव, संजय मंडल, अशोक यादव सहित राजद के कई नेता मौजूद थे। बढ़ रहे ठंड को लेकर ऊनी कपड़ों का बाजार गर्म हो गया है। भागलपुर के सुर्खी कल के समीप तिब्बतन पोटाला मार्केट में खरीदारों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। लोग अपने पसंद के स्वेटर, शॉल, जैकेट, टोपी की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। रिफ्यूजी मार्केट में हर एक रेंज के गर्म कपड़े उपलब्ध है। दरअसल बीते 4 वर्षों से ठंड के समय पोटाला मार्केट भागलपुर में चल रहा है। पोटाला मार्केट के प्रबंधक सिंह शॉप ने बताया कि भागलपुर का बाजार काफी अच्छा है और 3 महीने में अच्छी बिक्री हो जाती है। उन्होंने कहा कि पहले पोटाला मार्केट सैंडिस कंपाउंड में लगाया जाता था लेकिन इस बार जिला प्रशासन द्वारा स्वीकृति नहीं दिए जाने के कारण सुर्खी कल के समीप लगाया गया है। वहीं मार्केट में कपड़े की खरीदारी करने पहुंचे रंजीत कुमार चौधरी ने बताया कि पोटाला मार्केट का सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। लोग 3-4 साल से सैंडिस कंपाउंड में शोर लगाते। इस साल स्मार्ट सिटी की योजना की वजह से हमारा वहाँ पर जिस जगह पे हम लोग लगाते हैं वहाँ पर पौधा वगैरह लग चुका था, इसकी वजह से हम लोग वहाँ पर परमिशन नहीं मिला। तो इस साल है हम नए जगह पे, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि पुराना और नया, क्योंकि मार्केट जो पुराना वाला जो पहले से लोग जानते थे कि ये लोग प्रति साल से वहीं पर आ रहे हैं। दाम तो जो है इन लोगों का वास्तविक रेट है और चूँकि भागलपुर वासियों का हर साल ठंड में एक आश्वस्त रहता है कि हम लोग तिब्बती मार्केट में जाएंगे और बहुत अच्छा प्रोडक्शन हमको मिलेगा। लोग काफ़ी उत्साहित होते हैं इस बाजार से और आते हैं और खरीदते हैं।
भागलपुर के राधा रानी सिन्हा रोड स्थित देवदूत भवन में रविवार को बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी संघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में भागलपुर अंचल से जुड़े 200 से अधिक बैंक अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान परिचर्चा का आयोजन हुआ, जिसमें बैंक अधिकारियों पर बढ़ता हुआ दबाव, दबाव से लड़ने की चुनौती और दबाव को दूर करने का संकल्प लिया गया। बैंक ऑफ इंडिया के महासचिव प्रशांत मिश्रा ने बताया कि बैंक कर्मियों पर आंतरिक और बाहरी दबाव ज्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण बैंक कर्मी की मानसिक स्थिति खराब हो रही है। इस अवसर पर कई बैंकों के अधिकारी मौजूद थे। अंचल के अंदर पदस्थापित सारे अधिकारियों की बैठक की गई है। बैठक का मुद्दा है कि बैंक में बैंकिंग अधिकारियों, बैंकिंग कार्य में बैंक के अधिकारियों पर आंतरिक और बाहरी दबाव बढ़ते जा रहे हैं। ये दबाव कुछ इस तरह के हैं, जिसके कारण आज यह युवा बैंक अधिकारी खासकर मानसिक रूप से त्रस्त, कुंठित महसूस कर रहे हैं और स्थिति इस कदर बिगड़ चुकी है कि आप अनेकों बार सुनते होंगे कि कहीं कोई बैंक अधिकारी आत्महत्या कर लेता है, कहीं किसी बैंक अधिकारी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। केंद्रीय विद्यालय के निर्माण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किए जा रहे विरोध के खिलाफ 26 नवंबर को रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पटना में आमरण अनशन करेंगे। इसी को लेकर रविवार को भागलपुर के मानिक सरकार चौक के समीप रालोसपा कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रविशेखर भारद्वाज ने की। इस दौरान अनशन पर बैठे राष्ट्रीय अध्यक्ष के समर्थन में जिले के सभी कार्यकर्ता के पटना जाने की तैयारी पर चर्चा हुई। इस मौके पर नगर अध्यक्ष भास्कर, कुणाल सिंह, सुमन प्रसून, राजेश राणा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। इस बिहार के अंदर कुल शिक्षा की अगर स्थिति पर आप चर्चा करेंगे तो आप सहमत होंगे कि बिहार में शिक्षा के बारे में माननीय नीतीश बाबू का दृष्टिकोण ही बहुत उलझ है। मैं उदाहरण के लिए कर सकता हूँ कि 2005 में नीतीश बाबू की सरकार बनी, 2005 में जो बच्चा LKG UKG क्लास 1 सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया होगा तो 15 साल होने को है। 15 साल का मतलब वो मैट्रिक पास कर गया या इंटर में है या फर्स्ट ईयर BA आ गया, मतलब यही होगा। अब अगर आज हमारा रिजल्ट खराब हो रहा है तो बच्चा से लेके इंटर तक BA तक नीतीश बाबू के राज में हम आए इस स्कूल में और रिजल्ट हमारा जो है मालूम है। चलते चलते फिर से एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय PBY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। जमीन विवाद को लेकर नौगछिया में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प, एक व्यक्ति की हुई मौत, 5 लोग हुए घायल। एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर संगोष्ठी का हुआ आयोजन, भारत के नव निर्माण में गांधी के योगदान पर हुई चर्चा। भागलपुर के IMA हॉल में हृदय रोग से ग्रसित बच्चों के लिए जांच शिविर का हुआ आयोजन, कई गरीब बच्चों की हुई जांच। सोए अवस्था में अपराधियों ने युवक की गला रेतकर की हत्या, 29 नवंबर को होनी थी शादी, जांच में जुटी पुलिस। और SKM स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का हुआ आयोजन, वैज्ञानिक सोच को मॉडल बनाकर छात्रों ने किया प्रदर्शन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।